गाइज वेलकम टू साइको वॉनेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट इस साल की आ गई है, जिसका वेट सभी कर रहे थे। DRDO की तरफ से परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसर की ग्रुप ए की पोस्ट है आपकी। इस पोस्ट का वेट बहुत बच्चे कर रहे थे। आपकी आत्मा को आज शांति मिलने वाली, क्योंकि अगर आप काम करना चाहते हैं आर्मी में, एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में एज अ ऑफिसर, तो एज अ यूनिफॉर्म सर्विस, तो ये पोस्ट आपके लिए है। तो आपका सबर का जो इम्तिहान था वो ख़त्म हो गया है। तो फाइनली पोस्ट DRDO ने रिलीज़ कर दी है। सभी डिटेल, सिलेबस, रिटर्न एग्जामिनेशन, इंटरव्यू की डिटेल, सभी चीज़ आ गई है। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देख लेना, कैसे फॉर्म भरना है स्किप मत करना, सारी डिटेल देख लेना, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। हर साल आती है वैकेंसी, बट इस बार थोड़ी लेट आई है। तो बात करते हैं वैकेंसीज के। DRDO की RAC यानी रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, DRDO ने वैकेंसी निकाल दी है, जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आई है वो साइकोलॉजी की है, 17 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है। पोस्ट का नाम है आपका साइंटिस्ट भी। आपका काम क्या होता है, एयरफोर्स नेवी में जितनी भी SSBs वगैरह होती हैं ऑफिसर्स की, CDS NDA के बाद, उसमें आपका एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करना होता है, और जो भी बहुत सारा काम रिसर्च का होता है वो आपको करना होता है। यूनिफॉर्म सर्विस आपकी होती है, ये बात याद रखिएगा। तो बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन रीड करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर RAC लखनऊ रोड दिल्ली। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपकी, परमानेंट है। और द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी 17 वैकेंसी 28 डेज के अंदर आपको अपना फॉर्म जो है कंप्लीट कर देना है। फॉर्म की डेट आज से स्टार्ट हो गई है, 26 सितंबर से फॉर्म की डेट स्टार्ट हो गई थी, और आपको 28 डेज मिलेंगे अपना फॉर्म जो है भरने के लिए। तो देख लें क्या चीज़ें इसमें हैं, एक बार पढ़ लेते हैं चीज़ों के बारे में, और आप आराम से वीडियो स्किप मत करना, बिना स्किप किए हुए देख लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है ये। तो RAC यानी कि रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी थ्रू RAC। RAC क्या, DRDO का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपके क्या निकली है, पोस्ट निकली है साइंटिस्ट बी की। दीज यहाँ लिखा पढ़ लो के लिखा, दीज पोस्ट जो है आपके ग्रुप ए गजेटेड टेक्निकल सर्विस रहेंगी आपकी। DRDO के अंदर ग्रुप ए की पोस्टें बात याद रखना, यानी कि ऑफिसर लेवल है ग्रुप ए पोस्ट, आर इंडियन आर्म सर्विस के अंदर रहेंगी, एंड द विल पेड देन, ठीक है। इंडियन आर्म सर्विस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सब के अंदर आपकी पोस्टें रहने वाली है। यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो द पोस्ट वेरियस सिलेक्शन बोर्ड्स सेंटर अंडर आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर एंड एयरफोर्स हेडक्वार्टर के अंदर ही पोस्ट आपकी पोस्ट जो है ये रहेंगी, ठीक है। मैं इसे सही कर लेते हैं, रखो इसका साइज, तो ये आपकी इतनी पोस्ट जो है वो रहने वाली है, ये आ गया पूरा, ठीक है। तो जो आपकी सैलरी होगी ना, इसमें पर मंथ जो बनेगी आपकी HRA वगैरह मिलाकर, अलाउंस वगैरह मिलाकर, ज्वाइनिंग टाइम, वो 88,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगी विदाउट एक्सपीरियंस। एयरफोर्स हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, इन सब में आपको जॉब लगेगी। 88,000 आपको इन हैंड ऑल इन एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगा के 88,000 आपके हाथ में सैलरी आएगी, और बेसिक पे आपका 56,000 लेवल 10 का रहने वाला है, ठीक है। अब साइकोलॉजी की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन देख लो एक बार इसकी, क्या क्वालिफिकेशन है, सब्जेक्ट क्या है, साइकोलॉजी है। नंबर ऑफ जनरल की 7 पोस्ट हैं, EWS की 2 हैं, OBC की 4 पोस्ट हैं, SC की 3 हैं, ST की 1 है, और 17 टोटल पोस्ट हो गई। क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं क्या है, अपने फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट डिवीजन से आपने अपना मास्टर्स डिग्री कराओ साइकोलॉजी में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। चाहे तो आपने साइकोलॉजी में कराओ, या फिर मास्टर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ, मिलिट्री, कॉग्निटिव और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल एंड एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है। कुल मिला के आपने साइकोलॉजी से अपने मास्टर्स कराओ, आपकी फर्स्ट डिवीजन आई हो तो अप्लाई कर पाओगे। साथ में आपके पास नेट होना चाहिए साइकोलॉजी से, और अभी एक नया चीज़ इन्होंने ऐड कर दी है कि आपको गेट भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। या तो आपने गेट का एग्ज़ाम पास कर लिया हो साइकोलॉजी में तो अप्लाई कर पाओगे, अगर आपने गेट नहीं किया है, आपके पास गेट का स्कोर नहीं है, तो आपके पास मास्टर साइकोलॉजी के साथ आपके पास नेट होना चाहिए। समझ में आ गया, नेट हो MA साइकोलॉजी प्लस नेट, या फिर MA साइकोलॉजी प्लस गेट आपने कराओ, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे इस वैकेंसी। बाकी अगर आपने नहीं करा तो भी आप वीडियो कंप्लीट एंड तक देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर आएगी, तो आपको डिटेल पहले पता होनी चाहिए क्या डिटेल है, क्या सिलेबस वगैरह आपका आता है, तो सभी देख लेना अच्छे से, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में CGPA का सिस्टम था तो आप उसमें भी देख लेना कि आपको परसेंटेज वगैरह मिली है, तो आपका गेट स्कोर होगा और नेट स्कोर दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, आपकी एज लिमिट, एज लिमिट देख लो। अगर आप जनरल में आते हो या फिर आप EWS में आते हो, तो आप फॉर्म की अप्लाई 28 ईयर तक कर पाओगे, ये बात याद रखना। अगर आप OBC में आते हो तो आप 31 ईयर तक अप्लाई कर पाओगे, यानी 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप 33 ईयर तक अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। मतलब क्या है,
जो जनरल है वो 28, EWS 28 ईयर, OBC 31 ईयर एंड SC ST 33 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी जो PWD और डिसेबिलिटी है उन्हें 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा 28+10 और जो सेंट्रल सर्विस के उन्हें 28+5। ठीक है, बाकी क्या होगा, जो इंडियन नेशनल नीड है वही अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास नेशनलिटी इंडियन के पास हो गया। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, 100 रुपये की आपकी इसमें फीस लगेगी। एग्ज़ाम क्या होगा वो देख लेना, मैंने आपसे कहा अगर आपका नेट और गेट आपका नहीं है, अभी आपको दिसंबर में होगा नेट और गेट, तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर जब आएगी तो आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इसलिए वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। तो अगर आप जनरल, EWS एंड OBC और मेल कैंडिडेट, ठीक है, तो आपको नॉन रिफंडेबल फीस भरनी पड़ेगी, कितने रुपये, 100 रुपीज़ पेपर ऑनलाइन, देयर नो एप्लीकेशन फी। और जो अब जो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, वो उनका फॉर्म जो है वो फ्री होगा। बाकी जो जनरल में EWS OBC मेल है उन्हें 100 रुपये फीस, SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं लगेगी, इसमें यह बात याद रखिएगा। बाकी एज में वुमेन के लिए कोई भी रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं रखा है, अगर रखा हुआ तो एक बार आप पढ़ लेना, अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो एक बार फिर भी आप देख लें। 28 ईयर जनरल की फॉर्म की फीस रखी हुई है। आपका फॉर्म शॉर्टलिस्टेड कैसे होगा, सबसे मेन बात वो है, ठीक है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर लोगे, मास्टर ग्रेड क्वालिफिकेशन डालोगे, आप नेट और गेट का स्कोर डालोगे, कार्ड अपलोड कर दोगे, उसके बाद क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी या फिर शॉर्टलिस्टिंग हम उसे कहेंगे, ठीक है। कैटेगरी वन क्या होगा, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। अगर आप फॉर्म अपना भरते हैं तो उसके बाद आपका SSE होगा, जिसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, जो आपका होगा क्या, 1:25 का ही होगा, जो उनका रेशियो होगा बच्चों के हिसाब से, उसके बेसिस पे करेंगे एग्जाम का नाम होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। साइकोलॉजी का एक पेपर होगा, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, 300 मार्क्स का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ होगी आपकी सबसे पहले। और पेपर आपका दिसंबर में होगा, ये बात याद रखिएगा, 2 महीने आपके पास बस होंगे प्रिपरेशन करने के लिए। लिखा है द SSE लाइकली टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2022, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम क्या होगा अच्छे से देख लो, द सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन SSE इन द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी विल बी ऑफ 300 मार्क्स, विल कंसिस्ट 150 MCQs और ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। आपका 300 मार्क्स का एक साइकोलॉजी एग्जाम होगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एंड पूरा पेपर कितना हो गया, 300 मार्क्स का हो गया, ठीक है, जिसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी और आपको 2 आवर दे देंगे 300 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, सॉरी 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 आवर देंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपको होगा। जब इसको आप पास कर लोगे उसके बाद क्या होगा, आपको एक इंटरव्यू होगा, टेंटेटिवली द SSE। अब बात कर लेते हैं SSE जो एग्ज़ाम है स्पेशल, जो पहला पेपर है वो कहाँ होगा, वो आपको बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे सेंटर्स और अदर जो सेंटर्स होंगे वहाँ पर ये होगा। उसके बाद जब आप SSE दिसंबर में पास कर लोगे तो अगर जो मेन है, मेरी बात समझना, जो SSE है वही इस एग्ज़ाम की जान है। इंटरव्यू आपका सिर्फ 20% मार्क्स कैरी करेगा। अगर आप SSE में हाईएस्ट मार्क्स लेगा तो और इंटरव्यू में आपके मार्क्स बहुत कम भी रहते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है, आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगी ऑफिसर्स लेवल की, बात याद रखना। तो आपका SSE मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ SSE स्कोर अपीयर इन द पर्सनल इंटरव्यू टू बी हेल्ड ऑन दिल्ली और अदर प्लेसेस में DRDO के अंदर जो है आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाएगी फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप ए, टेक्निकल पोस्ट आपकी ये रहने वाली है। और उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बताते हैं, लिखा भी है सिलेक्शन क्राइटेरिया Para 8 में, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी वाइज मेरिट, 80% वेटेज ऑफ मार्क्स इन द SSE, 80% मार्क्स का बेसिस रहेगा SSE का, एंड 20% जो वेटेज रहेगा वो ओनली इंटरव्यू। मैंने आपसे कहा है SSE में अगर आपने टॉप करा तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है, ठीक है। और ओनली दोज कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, दो बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग रहेंगे, लाइक जनरल वाले 70% और EWS OBC SC 60%, उनको भी कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, बट उनका सिलेक्शन के चांस इतना पक्का नहीं हो सकता जितने जो हाईएस्ट मार्क्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल का इन्होंने कुछ लिखा नहीं, आई थिंक मेडिकल इसमें है नहीं जितना मुझे लग रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात आपके लिए हो जाती है अगर मेडिकल नहीं है तो। बाकी गाइडलाइंस क्या है वो देख लो, और ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। इसका पेपर जो है वो मैं आपको एक दो दिन में बता दूंगा, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, इसका सिलेबस निकालने एक दिन में, सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो डिटेल सिलेबस मैं आपको इसको बता दूंगा कि क्या आपका इस पे जो SSE का एग्ज़ाम है SSE का उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे आपके, 150 क्वेश्चन, उसका सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है प्रॉपर सिलेबस, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपका फॉर्म है क्या, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, 100 रुपये की आपके फी में, 26 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 26 प्लस 28 डे जोड़ लेना, 28 डे तक आपका फॉर्म जो है एक्टिव रहेगा, 100 रुपये की फीस लगेगी आपको जनरल मेल, OBC मेल और EWS मेल, SC ST और वुमेन कैंडिडेट कोई भी फीस नहीं लगने वाली है।
तो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म का लिंक, ऑनलाइन फॉर्म जो भरने का लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से उसको भर लेना। ये जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को भी आपको डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर दूंगा। इस पीडीएफ को भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार खुद से भी रीड कर लेना, कोई सारी पॉइंट, एक एक पॉइंट आप इसको पढ़ लेना। बाकी जिनका भी नेट और नेट और गेट नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए उनको बेस्ट ऑफ द लक, नेक्स्ट ईयर फॉर्म दोबारा आ जाएंगे इसके। लेकिन आपको प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो तो, कि आपका नेक्स्ट ईयर आपको डीआरडीओ में आपका ड्रीम जॉब लग, मैक्सिमम स्टूडेंट की होती है अगर आपको जाना है डीआरडीओ में एज अ ऑफिसर, आर्मी हेडक्वार्टर या नेवी हेडक्वार्टर या एयरफोर्स हेडक्वार्टर में, अथवा साइकोलॉजिस्ट काम करना यू विद यूनिफॉर्म विद स्टार्स, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका नेट और गेट होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को सभी तक शेयर करना आपका फर्ज बनता है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। जल्द ही आपको मिलेंगे इसके सिलेबस वाली वीडियो में, बाकी जल्द मिलता है अगली वीडियो, तब तक ले थैंक यू।